आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी, हम सब भी अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय, बच्चे जाएंगे स्कूल। और ना, आज से बच्चों का स्कूल टाइम ना चेंज हो गया है। अब देखते हैं कितने दिनों तक के लिए टाइम चेंज किया है। अब बच्चे जाएंगे 9 बजे से, तो ड्राइवर भी देर से आएगा। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी बच्चों की पसंद का, और हम सबको भी बहुत पसंद है, आलू का पराठा। तो मैंने यहाँ पर उसी की तैयारी करी हुई है। तो आटा गूंद कर रख दिया है ताकि जब मैं परोठे बनाऊँ तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि नमक का आटा ना थोड़ा खिंचा खिंचा सा हो जाता है इसलिए। और ये नए वाले आलू ना, अगर आप इस तरीके से उबालोगे ना इनको बीच में से कट करके, तो इनका ना छिलका उतारना भी बहुत आसान रहता है। वैसे तो इनका छिलका फिर उतरता नहीं है, लेकिन जब मैंने इनको इस तरीके से उबाला ना, बीच में से कट करके 2 या 3 पीस कर दिए थे मैंने एक आलू के, तो इनका छिलका ना आराम से उतर गया। क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मैं तो वैसे बिना मतलब छिलके के साथ भी बना दूँ, लेकिन ना फिर बच्चे नहीं खाते, बच्चों को अजीब सा लगता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को मैश कर दिया, और उसके अंदर मैंने डाला हरा धनिया काट करके, और थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्च डाल दी है, गरम मसाला डाला, और ये धनिया पाउडर डाला, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। और जी, यहाँ पर अब मैं इसमें डालूँगी आमचूर पाउडर, क्योंकि नहीं सॉरी, मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। हाँ, मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया, और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और आज ना मैंने पिट्ठी छोकी नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं पिट्ठी छोक करके ही बनाती हूँ ना, तो आज मैंने प्याज वगैरह नहीं डाली, इसलिए मैंने फिर पिट्ठी को छोका ही नहीं। क्योंकि अगर मैं प्याज डालती ना तो मैं उसको भून करके डालती, जो कच्ची प्याज होती है ना उसकी स्मेल ना ऐसा लगता है जैसे आमलेट खा रहे हो ना, पता नहीं क्यों मेरे को उसकी थोड़ी बदबू लगती है इस तरीके से परौठों में ना। तो मोस्टली तो मैं मतलब आलू के परौठे में ना मेरे को अजीब सा लगता है फिर कच्चा प्याज ना, इसलिए मैं उसको प्याज को भून करके ही डालती हूँ। तो अब यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं, इसको बेल लेते हैं, और बस। और यहाँ पर ना मेरे से आज एक गलती हो गई, फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अब हो गई तो हो गई। अभी आप देखेंगे ना वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने क्या गलत किया। दरअसल सुबह का टाइम था और इधर बच्चों को भी उठाना था, मैं उनको बोल रही थी खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, इस चक्कर में ना तवा हो गया काफ़ी तेज़ गर्म, और मैंने ना गौर ही नहीं किया। नहीं तो जब मैं परोठा बेल रही थी ना तभी अगर मैं गैस को सिम कर देती ना तो तवा थोड़ा नॉर्मल हो जाता, और ना गैस तेज ही रही, मतलब फुल ही थी गैस, और तवा गर्म पहले से ही हो रखा था। जैसे मैंने उससे परोठा डाला तो परोठा थोड़ा सा ज़्यादा सिक गया, ज़्यादा सिका परोठा ना अच्छा नहीं लगता खाने में ना, लेकिन अब क्या करूँ, गलती तो हो गई मेरे से। और मुझे ज़्यादा परोठे सुबह बनाने भी नहीं थे, क्योंकि ठंडे परोठे ना कोई भी नहीं खाएगा इसलिए। तो यहाँ पर मैंने देखो परोठा डाला ना, फिर मैंने बाद में देखा अरे गैस तो तेज़ है, फिर मैंने गैस को सिम किया, लेकिन तब तक परोठा एक तरफ से ना कुछ ज़्यादा ही पच गया था। तो ये देखो आप ना, हो गया ना थोड़ा जला जला सा, मतलब ऐसे वाला परोठा ना देखने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब कोई नहीं। मैंने फिर बच्चों को दिया, बच्चों को दे दिया, क्योंकि बच्चों का ना ऐसे ही रहता है, कभी खा के आते हैं कभी नहीं खा करके आते। इनसे पूछ करके बनाया मैंने कि भाई बताओ आलू का परोठा बना दूँ, तो बोले हाँ बना दो। सोना भी जब स्कूल से आई ना खा करके, तो उसने तो मतलब अपना आधे से ज़्यादा फिनिश किया हुआ था, लेकिन नैना का आप यकीन नहीं करेंगे, उसको मैंने 2 परोठे दिए और उसने मुश्किल से चौथाई हिस्सा खा रखा था एक परोठे का बस, बाकी सारा परोठा ऐसे का ऐसे ही। और फिर मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, सच में मैंने कहा ठंड में उठ के मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे लिए खाना बनाया, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं है, बच्चों को देखना भी चाहिए ना, मतलब खांस खांस की पूरी रात निकल जाती है, और ठंड में ऐसा लगता है ना सुबह सुबह की नींद भाई सो जाओ। लेकिन देखो हम तो माँ हैं, हमें तो उठना ही पड़ेगा ना, और इनको स्कूल जाना है इसलिए उठ रहे हैं। फिर मैंने इन्हें परोठे दिए बना करके, और ये खा करके नहीं आए, फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने बोला अब तू स्कूल से मतलब तू स्कूल जाएगी ना कल, मैं तुझे कुछ भी बना के नहीं दूंगी। यहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल, ये देखो हमारी लग रही है एकदम कश्मीरन लड़की, जैसे कश्मीर में कपड़े पहनते हैं। दिखाई शो ना शक्ल, तो दिखा दूंगा
चलो भाई, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। काम कर लियो अच्छे से स्कूल में पेपर। कालू, ए कालू, कालू का ध्यान पूरा भौंकने में। कालू, और यहाँ पर बच्चे चले गए स्कूल। उसके बाद मैं लेकर के बैठ गई गर्म पानी, क्योंकि गला बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कुछ काम, क्योंकि आज है मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति की भी पूजा करनी है इसलिए। तो अभी पानी पीऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो फिर मैं नहाई धोई, और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर कर दी अपनी मकर संक्रांति की पूजा। तो जो जो सामान मुझे पंडित जी के लिए निकालना था, यानी कि, तो वो मैंने निकाल दिया। पंडित जी को तो नहीं, मैं अपनी जेठानी को ही देती हूँ सारा सामान। और यहाँ पर यह हमारी सुबह की चाय थी, और अब हम लोग करने बैठ गए हैं नाश्ता। फिर मैंने हम सब के लिए भी आलू के ही परोठे बना दिए, और ये लंच लेके नहीं गए ऑफिस, तो बस इसलिए हमारा इसी में काम हो गया। और बच्चे स्कूल से आ गए। गुड गर्ल। नहीं नहीं नहीं, साइकिल से नहीं, चलो ऊपर आ जाओ। हम दवाई लेके आ गए थे शोना की, हैं? नहीं, पेपर है, कल आ जा पूछ ले। नहीं नहीं, अरे भैया बदतमीज। टाइम देखो कितना हो गया, 7:45। अब खाना बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, आज थी मकर संक्रांति, तो खिचड़ी बनानी बनती थी। तो मैंने ये वाली खिचड़ी बनाई है उड़द की दाल की, और हमेशा मैं ये वाली खिचड़ी बनाती हूँ। और चलिए हम लोग अब डिनर करते हैं, आपसे कल मिलेंगे एक नए दिन नई वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। कल के लिए आपको